तो गाइस भाई कह रहे कि आप भी जाओ बिग बॉस में। भाई मैं तो कह रहा हूँ जाओ, अगर थोड़ा और तुम पे है वैसे बहुत सारे फॉलोवर। तो ब्लैक तो कैसी लग रही है? बेस्ट है यार ये ना, वो भी सही लग रही है। ग्रे ब्लैक, मैं भी ब्लैक कराऊंगा। तो भी एलिस भाई चला रहे हैं हमारी नई पोर्शे। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज लास्ट व्लॉग में आप देखा होगा हमने ली थी अपनी न्यू सुपर कार की डिलीवरी, जो जो कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। इसके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, थैंक यू सो मच गाइज। तो आज हम जाएंगे एल्विस भाई से मिलने के लिए, बिकॉज मैंने उन्हीं की कार चलाई थी और वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी, मुझे भी लेनी है ऐसी कार। मेरे को चलाई थी, काफ़ी मस्त लगी थी, काफ़ी मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होता है पोर्शे को चलाने का ना। तो हाँ आज उनसे मिलेंगे, उनको दिखाऊंगा अपनी न्यू कार और थोड़ी बातें करेंगे, बिग बॉस के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद फिर पार्टी करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं। तो चलो फिलहाल बॉय वी आर में रेडी हो गए, निकलते हैं सीधा। और गाइज न्यू सुपर कार और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट आज एक बहुत शुभ दिन है। आज चंद्रयान 3 लैंड होने वाला है फाइनली। आज इंडिया हिस्ट्री बनाने वाला है, मतलब मून के साउथ कोर पे लैंड करने वाला है चंद्रयान 3। तो होपफुली बस सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि काफी प्राउड की बात है हमारे लिए। क्या कहना चाहोगे? 100% सेफ लैंडिंग होगी, और क्योंकि इतने टाइम से उस पर काम चल रहा है। तो गाइज अब फिलहाल बोबिया चला रहे हैं। बोबिया कैसे लग रहा है? गाइज ट्रैफिक देखो आज पूरा लाल हो रखा है, मतलब बारिश भी हो रही है, ट्रैफिक भी हो रहा है। अभी भी 37 मिनट दिखा रहा है ये। हमको निकले हुए ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है। और गाइस देखो स्पेस बहुत है इसमें, स्पेस देखो बहुत है, पैर पूरे सीधे हो रखे हैं मेरे, मस्त में लैपटॉप पे काम कर रहा था अपना। दो जने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसका वाइपर अपने आप चल रहा है गाइस ऑटोमेटिकली, जैसी बारिश आ रही है ना अपने आप चल रहा है। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं और देखो सामने खड़ी है एलविस भाई की पोर्शे। भाई ये तो येलो थी, देखो कलर चेंज करा लिया भाई ने। चलो भाई पहुंच गए, इसको ऐसे ही लगा दो ऐसे ही। दोनों साथ में हो गई अब तो, लास्ट टाइम फॉर्च्यूनर खड़ी थी दोनों साथ में, और अब की और पोर्शे देखो भाई। भाई मैंने तो तगड़ा है। और ये ले लो भाई तुम इसके स्ट्रोक, पर अब ये दो ले लो, निकाल लो सीपी नहीं है। फोन कहाँ तोड़ लिया है? अरे यार गिर गया था। बैठो ना बैठो। तो भी गाइस भाई मिल गए हैं, टाइम देखो 4 बजने वाले, पता नहीं चला बातें करते करते। अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, फिलहाल अभी लंच करते हैं और इसके बाद गाड़ी देखते हैं। और मुझे पता, मुझे आपको देख के पता कैसी फील आ रही है कि मैं बिग बॉस में ही देख रहा हूँ। वो बिग बॉस वाली सारी बातें मेरे माइंड में आ रही है भाई, रियलिटी तो चल रही है यार, वहाँ भी चल रही थी। नहीं नहीं वो जो बातें हैं ना वो सारी माइंड में आ रही है। मैं तो कह रहा हूँ रेस्टोरेंट खोल लो, सिस्टम रेस्टोरेंट, वहाँ पे सिस्टम मिल रहा है सब। और क्या, सिस्टम खोल लो, सिस्टम रेस्टोरेंट। हाँ सिस्टम रेस्टोरेंट, सिस्टम कैफे, सिस्टम कैफे, डोसा, सिस्टम डोसा, सिस्टम सांभर, सिस्टम दाल मखनी, सिस्टम लस्से, सिस्टम चाप। और जो खाने आएगा उससे भी बोलना पड़ेगा सिस्टम भर रहना पड़ेगा। कोई आपके रेस्टोरेंट के नीचे खड़ा हो? कहाँ खड़ा है? सिस्टम के नीचे खड़ा हूँ। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, कैसा लग रहा है मतलब बिग बॉस से आने के बाद इतना? भाई सही बताऊँ, ऑनेस्ट बताऊँ, स्ट्रेस बढ़ गया बहुत, हर चीज़ का, पर्सनल लेवल का भी, फाइनेंशियल लेवल का भी, और पब्लिक लेवल का भी, बहुत स्ट्रेसफुल। अगर वैसे पूछा जाए मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो गाइस भाई कह रहे कि आप भी जाओ बिग बॉस में। भाई मैं तो कह रहा हूँ जाओ, अगर थोड़ा और तुम पे है वैसे बहुत सारे फॉलोवर्स, बट और अगर चाहिए वैसे वाला तो बिग बॉस जाओ। अगर तुम्हें पर्सनल लाइफ चाहिए, स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहना है तो रहने देना। फॉलोवर्स के लिए जाना, मेरे को जाना एक्सपीरियंस करने के लिए। कैसा होता है भाई वो एक्सपीरियंस जब होगा ना, उससे ऑटोमेटिक सारी चीजें बाहर तुम वो लेके आओगे जो मैं बता रहा हूं। अब तुम सोच लो तुम्हें जाना है नहीं जाना, चलो देखते हैं देखते हैं, वो तो समय बताएगा। तो गाइस अब जा रहे हैं नीचे गाड़ी के पास। ब्लैक कैसी लग रही है? बेस्ट है यार ये ना, सही लग रही है। ब्लैक कराओगे? मैं भी ब्लैक कराऊंगा। लास्ट टाइम आपकी ब्लैक थी तो मैं बोल रहा था कि मैं ब्लैक कराऊंगा, अब मेरी ब्लैक है तो आप कह रहे हो कि मैं भी ब्लैक कराऊंगा। भाई ब्लैक में यार अलग वो है भाई, हमने जब देखी ना कसम से अलग लग रही है बिल्कुल, ब्लैक में भी ग्लॉसी होना चाहिए। अरे अभी गंदी हो गई है, नहीं तो इतनी मस्त लग रही थी। 18 इंच पे ही है ना इसमें? हां अपनी इसमें 19 है। एवरेज पता तुम्हें कितने की देती है? इसमें दिखाएगी नहीं, एवरेज सही दे रही है भाई, वही तो मैं कह रहा हूं 11 12 का दे रही है। 11 12 का? हां। तो भी एलविस भाई चला रहे हैं हमारी नई पोर्शे। यस ब्रदर, आपको देख के ही ली थी मैंने, मेरे को आपकी वाली मस्त लगी चलाने में ना भाई। सही चीज ले ली तुमने कसम से, ये तुम्हारा बेस्ट डिसीजन है यार। और इसका जो एक्सपीरियंस है ना पोर्श का, ये देखो हाँ, एक्सपीरियंस मेन, तो एक्सपीरियंस जो बटन कह रहा था ये रहा वो बटन। और कुछ बता सकते हो इसके बारे में जो मुझे ना पता हो? इसके बारे में भाई एक चीज का ध्यान रखना, जब तुम जैसे कन्वर्ट कर रहे हो 30 से कम की स्पीड पे तुम कन्वर्ट कर सकते हो चलती में भी। अच्छा तो खोलते हैं, ठीक है। अभी जब तक बटन मत छोड़ना जब तक ये शीशा पूरा ऊपर तक ना आए। अच्छा अगर छोड़ दिया तो मतलब क्यों फीचर खराब करने? अच्छा खराब हो सकते हैं। चलो भाई एलविस भाई को पसंद आ गई गाड़ी, मैंने देखते भाई मुझे तो ये ब्लैक वाली ही चाहिए, नहीं तो इसमें रेड मिल रही थी येलो मिल रही थी। गाइस देखो खोलने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, देखो अभी गंदी हो रखी है इसलिए एकदम क्लीन नहीं दिख रही। देखो तो अब साथ में लगा रहे हैं, फोटो वगैरह क्लिक कराएंगे।
गाइस ये देखो येलो येलो दिख रहा है ना, येलो एक्चुअल में से कलर, ये रैप करा रखी है, बट येलो ज्यादा कूल लगता था, ज्यादा कूल है ना, बिल्कुल भाई। और ब्लैक तो और ज्यादा कूल लग रहा है भाई, क्लास लग रही है, मतलब ब्लैक में कोई सी गाड़ी हो जाए और पोस्ट तो लगी बढ़िया रही है भाई। भाई रिक्वेस्ट करे, भाई के पास फोन नहीं है, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो भाई हमने रील वील बना लिया है, ड्रैग रेस जल्दी, अभी नहीं, अभी नहीं, नई गाड़ी की गल नहीं यार, अभी नहीं, ड्रैग रेस करेंगे। इस वीडियो पे कितने लाइक? इस वीडियो पे 1 मिलियन लाइक, 1 मिलियन लाइक, ड्रैग रेस। मैंने आपका फोन हैक कर लिया है, मेरे पास था, मेरे पास था भाई, तुमने सब सारी चीजें तुम्हारे पास मेरी यार। चलो ठीक है फिर चलते हैं भाई, गुड कलेक्शन है, वेरी गुड कलेक्शन। तो गाइस एल्विस भाई से मिलके आ गए हैं, और टाइम देखो भाई, शाम के 5 बज गए भाई, पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। हमने फुल बातें की, व्लॉग कम किया लेकिन फुल बातें की, बिग बॉस के बारे में फुल बातें की, बिग बॉस में क्या हुआ, किस तरह से होता सब कुछ। तो हाँ अब चल गए हमको पता। तो भी गाइस घर पहुंच गए, और घर पहुंचते देखो मैंने देखा चंद्रयान 3 फाइनली लैंड हो चुका है मून के साउथ पोल पे, तो हमने हिस्ट्री बना दी है। और इसको देख के इतनी मस्त वाली फीलिंग आ रही है गाइस, इतनी प्राउड वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई हम लाइव देख रहे, हम लाइव देख रहे थे। पूरे इंडिया को बधाई, पूरी टीम को बधाई चंद्रयान 3 की। वेलकम वेलकम बड़ा कैमरा, बड़ा कैमरा, हेलो जी, वेलकम, कांग्रेचुलेशंस भाई, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, मुबारक हो भाई, थैंक यू। तो सभी भाई लोग आ चुके हैं, अब चलते हैं पार्टी करने के लिए, चलो तो पार्टी विकास भाई दे रहे हैं, ओके ये पार्टी में दे रहा हूं मैं, नहीं यार। तो गाइस अभी आ गए रेस्टोरेंट में पार्टी करने के लिए, यहां पे तो मस्त खाना पीना खाते हैं, बातें बातें करते हैं। ये है वेज प्लेटर, ये कबाब होगा, ये भी कबाब होगा, ये मशरूम होगा, और ये पनीर होगा। गाइस एक और साथी ने हमको ज्वाइन किया है, लक्ष्य भाई ने। तो गाइस मस्त डिनर पार्टी हो चुकी है हमारी भाइयों के साथ में, तो भाइयों कैसे लगा? बहुत अमेजिंग यार, अच्छी भाई, जब बिल खुद नहीं देना पड़ता तो अच्छा ही लगता है भाई। तो भी गाइस भाइयों को मैं गाड़ी दिखा रहा था लेकिन दिखाने में मजा नहीं आ रहा, बिकॉज पूरी धूल ही धूल है, ब्लैक लग ही नहीं रही है देखो, पर चलाने में तो फुल मजा आया। हां चलाई भाई ने, कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आ गया, मैं बता रहा हूं कल आपको फुल मजे आएंगे। हां कल हल्द्वानी लेके जाएंगे, लेकिन धुलवा के ले जाएंगे देखो, बिकॉज पूरी मतलब धूल ही धूल हो रखी है इसमें। और ये देखो गाइस भाई की डिफेंडर कितनी मस्त लग रही है, और ये देखो कितनी छोटी सी लग रही है, कितनी बड़ी लग रही है, लेकिन दोनों का पर्पस काफी अलग है। तो अभी घर पे आ चुका हूँ, एडिटिंग भी कंप्लीट कर ली है, और टाइम देखो रात के 2 बजने वाले हैं गाइस, वो भी बस हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे आके ब्लॉग कर रहा हूँ। तो अब कल हम जाएंगे वापस हल्द्वानी, तो पूरी फैमिली को दिखाऊंगा गाड़ी, बाकी देखते हैं रास्ते में कोई दिक्कत ना आए यार, बिकॉज वैसे तो रोड सही है बट थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर रोड खराब है, तो आराम से लेके जानी पड़ेगी। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ फैमिली को दिखाने के लिए, हल्द्वानी ले जाने के, हल्द्वानी में चलाएंगे फिर पहाड़ों पे चलाएंगे भाई, मज़ा आने वाला है। चलो जो भी होगा आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना, फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब तुम सोच लो, तुम्हें जाना है नहीं जाना, चलो देखते हैं देखते हैं, वो तो समय बताएगा। बिल्कुल भाई, समय भी और तुम भी।